भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे भीमराव, हम दोनों के बीच में प्रिंसिपल का क्या काम है? हम दोनों के बीच प्रिंसिपल सर को लाना मैं भी नहीं चाहता था सर, लेकिन आपने मजबूर किया है। अगर सचमुच प्रिंसिपल के पास चला गया तो? जाने दीजिए सर, धर्म की लड़ाई है और धर्म जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई में प्रिंसिपल से डरना नहीं चाहिए सर। अरे पर मेरी नौकरी, उसका क्या? मैं कम इन सर। आओ भीमराव। जानता हूं कि तुम्हें फिर से कोई समस्या आई होगी, इसीलिए आए हो। बताओ क्या बात है सर? कक्षा में सर ने कल भी नहीं पढ़ाया और आज भी पढ़ाने से मना कर रहे हैं। आप एक बार चलकर देखिए ना। चलो। मेरी बीवी है, चार बच्चे हैं, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो कैसे चलेगा? शिष्य भी हैं आपके गुरुजी, हाँ, नरोत्तम जोशी जैसे। डरिए मत, हम बचाएंगे आपको। ये क्या सुन रहा हूं मैं? स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कुछ भी हो, स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस में जाना सही नहीं है। पद्माकर जी, क्या सही है और क्या सही नहीं है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? ये मैं सर, कुछ रहेगा पढ़ाने को तब पढ़ाएंगे ना सर। मतलब गुरुजी ने समाजशास्त्र का कोर्स तो कंप्लीट करा दिया है सर। बोलो। हाँ सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। नहीं नहीं सर, जोशी जी एकदम सही कह रहे हैं, सर ने सब कुछ पढ़ा दिया है ना। हाँ सर, कुछ बचा ही नहीं पढ़ाने को तो सर क्या पढ़ाएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोल रहे हो? हाँ सर, विश्वास कीजिए, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि मैं आगे पढ़ ना पाऊं। मैं सब समझ रहा हूँ भीम, लेकिन साक्ष्य को देखकर मैं कुछ नहीं कर सकता। सर भीमराव, आज तो प्रिंसिपल सर भी तुम्हारे काम नहीं आ पाए। भीमराव, अब मेरी कक्षा में पढ़ाई नहीं होगी, बाकी बच्चों का सिलेबस मैं कॉलेज के बाहर कंप्लीट करवा दूंगा, तुम अपना देख लो। देखता हूं मैं तुम कैसे पढ़ते हो, एग्जाम देते हो और पास होते हो। गुरुजी, मतलब भीमराव फेल हो जाएगा, और अगर ये फेल हो गया तो शाहजी महाराज इसे दोबारा छात्रवृत्ति तो देंगे नहीं। तो बच्चों, सारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, चलो छुट्टी, चलो छुट्टी। सर ये ऐसा मत कीजिए सर। Thank you.
दीदी जल्दी चलिए, आज काम ढूंढने बहुत दूर जाना है और गर्मी भी बढ़ रही है। हाँ चल चल, वो मैं घड़े में पानी भरने लगी थी, बाहर धूप बहुत होगी ना, और हमारी जात वालों को रास्ते में पानी कहाँ मिलता है। चल काम ढूंढने जा रहा है। पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कहो अपने पति से वकील के यहाँ काम करने के अलावा पढ़ाई का समय भी वो काम करे, ताकि थोड़े पैसे कमाए और उसकी पत्नी को धूप में भटकना ना पड़े। मेरे पति को जो समझ आएगा वो करेंगे, और वो जो करेंगे वही सही है। और सुनिए, इसे आप भटकना कह रही है ना, दरअसल वो स्वावलंबन की प्रक्रिया है। चल रमा। ऐसी ही है तुला, मैं तो सास हूं उनकी, लेकिन मेरा भी नहीं सुनती। कैसी सास है तू, तेरे तो कोई नहीं सुनता, ना पति सुनता है, ना बेटे सुनते हैं, ना बहू सुनती है। इतनी गिरी हुई है तू, इतनी गिरी हुई है तो गिर क्यों नहीं जाती? अरे जीजा भाई संभल के, ये तो आई क्या आवाज है। हाँ चल जल्दी। आई, क्या हो गया, कैसे गिर गई आप, क्या हुआ? मेरे दोनों पैर। आगे आगे कीजिए। नहीं नहीं आराम से कीजिए ना। ये हुई ना बात। हाँ धीरे है, ठीक हो जाएगा। सच पूछो तो दोनों बहुओं को अपनी सास का ख्याल रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है, और ये भीम का घर है तो नैतिकता का पालन तो होना ही चाहिए, क्यों रमा? और पालन होगा। आई मैं तेल गरम करके लाती हूँ। हाँ चल जल्दी ला। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा आराम लग रहा है, ज्यादा जोर से नहीं। कमर में भी दर्द हो रहा है। रमा जल्दी ला, बहुत गर्मी है, बाहर तो इतनी धूप है, इसलिए घर की बहुओं को घर में ही रहना चाहिए। हाँ रमा जल्दी आ, लाओ जल्दी। बैठा नहीं जा रहा है। आई ठीक हो जाएगा। अब तुम दोनों मिलकर सास को तेल लगाओ, मैं मीरा को खबर दे के आती हूँ। आई आपको आराम लग रहा है? थोड़ा। जो टकरू पर ऊपर ले चलो। ए धीरे धीरे। हाँ आराम से उठिए, आराम से। यह कमिंग सर, आइए पद्मा कर जी। सर बैठिए। जी सर। पद्माकर जी मैं जानता हूँ कि आपने मुझसे झूठ बोला था, इसीलिए बस खत्म हो गया। नरोत्तम जोशी और उसके साथी सब आपके साथ थे, और आप सब एक साथ इसलिए हैं क्योंकि आप सब चाहते हैं कि भीमराव पढ़ न सके, लेकिन सबके चाहने और आपके चाहने में फर्क है, उस फर्क को समझिए। पद्माकर जी कल आपकी आत्मा आपको दुत्कारे कि आप शिक्षक होकर भी शिक्षा के साथ इंसाफ नहीं कर सके, तो कैसा लगेगा आपको?
या मान लीजिए कि नरोत्तम जोशी या उसके दोस्तों में से कल कोई समझदार बन जाए और वो आपसे कहे कि सर हम तो छात्र थे लेकिन आप तो शिक्षक थे, आपने ऐसा कैसे किया, तो क्या आप अपने आप से नजरें मिला पाएंगे? इसलिए मेरी बात को समझिए। और सर अभी आया मैं। सर कल ये सब भी वही करेंगे जो मैं आज कर रहा था, ये भी कल अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये सब चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, मगर एक सलाह है मेरी, अगर उस पर आप अमल करेंगे तो भीमराव की पढ़ाई भी पूरी हो जाएंगी, यहां बच्चे भी पढ़ सकेंगे और हम शिक्षकों को भी अच्छा लगेगा। वो क्या सर? मैं बस इतना कहना चाह रहा था आपसे। लेकिन ये मत भूलिए कि भीमराव यहां सयाजी महाराज की छात्रवृत्ति से पढ़ रहा है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो सयाजी महाराज को भी जवाब देना होगा। हम उनसे भी कह देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं भीमराव की भलाई के लिए कर रहे हैं और इसमें बाकी के विद्यार्थियों की भी भलाई है। जी सर। भीमराव अंबेडकर। तुम ऐसे बैठ नहीं सकते, उदास नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। याद नहीं कल जब तुम ऐसे ही उदास बैठे थे तब इसी कॉलेज में नरोत्तम जोशी ने तुम्हें क्या कहा था? क्या हुआ भीमराव, तुम तो संघर्ष की बातें करते हो तो फिर रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे जीवन में मुसीबत लाऊंगा, अगर तुम उन मुसीबतों से जीत गए तो लोग कहेंगे कि भीमराव ने पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन अफसोस मेरा सिक्का ही फूटा निकला, ये तो टूट गए। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तो लगता है कि अब तुम लड़ने के लायक भी नहीं रहे। इतने की बात तो बहुत दूर। और तुम कमजोर नहीं पड़ सकते क्योंकि तुम खुद सोचते हो और कहते हो एक दिन ऐसी व्यवस्था बनाओगे जिसमें तुम्हारी जात का हर बच्चा पढ़ पाए। इसलिए हर कदम पर फूंक फूंक कर रास्ते चुनने होंगे, फैसले लेने होंगे, कल की बेहतरी के लिए निरंतर रास्तों का निर्माण करते रहना होगा। तुम ऐसे बैठकर चिंता नहीं कर सकते, समय गवा नहीं सकते। सही कह रहे हो, मैं ऐसे बैठकर समय बर्बाद नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। भीमराव सही है, समय बर्बाद मत करो, सीधा पागल खाने जाओ। पागल हो गए हो तुम, यहां यहां किससे बात कर रहे हो? चलो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलो, आ जाओ। क्यों?
क्योंकि आज तुम्हारा इस कॉलेज में आखिरी दिन है भीमराव। भीमराव, आज का तुम्हारा फैसला जो भी होगा आगे की पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। सोच समझ कर करना। मैं कमिंग सर। सर भीमराव आ रहा है। मैं कमिंग सर। आओ भीमराव। भीमराव, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए एक फैसला लिया है और उम्मीद है कि तुम भी उसे मानोगे। कैसा फैसला सर? यही कि अब तुम इस कॉलेज में नहीं पढ़ पाओगे। क्या? आज कॉलेज में तुम्हारा आखिरी दिन है। मगर सर मैं भीमराव। नहीं भीमराव, प्रिंसिपल सर कुछ कह रहे हैं, पहले इनकी बात सुनो। सर कहिए। मैं ये चिट्ठी तुम्हें दे रहा हूं। मैं लिखा है कि तुम किसी और कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। चूंकि यहां तुम्हें परेशानी है कि लोग तुम्हें जाति के नाम पर टिप्पणी करते हैं, और उसी जाति के नाम पर तुम्हारे साथ भेदभाव भी किया जाता है। जिस भी कॉलेज में जाओ बस वहां अपनी जात मत बताना। अंबेडकर तो तुम्हारे नाम में है ही, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी और तुम अपनी पढ़ाई भी कर सको और तुम्हें जातिगत समस्या भी नहीं होगी। भीमराव, मुझे उम्मीद है कि तुम वहां अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखोगे। बचपन में मैं जब खेलने जाता था तो मेरे जात के कुछ लोग कहते थे किसी को अपना पूरा नाम मत बताना ताकि जात छुपी रहे और मैं भी बड़ी जात के बच्चों के साथ खेल सकूं। आज आप मुझे यह सब बता रहे हैं। बचपन में भी मैंने कभी मेरी जात नहीं छुपाई, आगे भी नहीं छुपाऊंगा। लेकिन उस वक्त उन लोगों के मौखिक आदेश सुनकर कुछ फैसले लेने की हिम्मत और समझ नहीं थी। आज वो है। उन लोगों के मौखिक आदेश को मैं कभी फाड़ नहीं पाया, लेकिन आज आपके इस लिखित आदेश को मैं फाड़ रहा हूं सर।